गाजर का हलवा एकदम बाजार जैसा। अगर खाना है तो वीडियो में बने रहिए। बहुत ही कम खर्चे के साथ इस गाजर के हलवे को बनाकर तैयार करेंगे, वो भी 10 मिनट के अंदर। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पुराने हैं बेल बटन को ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बनाना। तो एकदम बाजार जैसा गाजर का हलवा खाना चाहते हैं तो लेना है आपको लाल लाल मोटे वाले गाजर, बहुत मीठे होते हैं, और इसको छील लेना है बहुत अच्छे से, और छीलने के बाद इसको बहुत अच्छे से धो लेना है, और धोने के बाद इसको सिंपल कद्दूकस कर देना है। तो चलिए हम धो कर आते हैं और फिर करते हैं इसका कद्दूकस। तो मोटे वाले साइड से हम कद्दूकस करेंगे और फिर जो गाजर का हलवा बनेगा ना बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो कम टाइम में आप गाजर का हलवा बनाना चाहते हैं तो आपको सिंपल सा काम करना है, जितना खाना है उतना ही बनाइए। अगर आप ज़्यादा बनाएंगे ना तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा, थी ना कमाल की बात। तो लीजिए कद्दूकस तो हमने कर लिया है कुछ इस तरह का, और अब इसे हम बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई गैस को ऑन कर दिया और गर्म होते ही इसमें डालेंगे घी। तो अगर मार्केट जैसा गाजर का हलवा आपको घर पर बनाकर खाना है तो घी में कंजूसी नहीं करनी है। तो 3 से 4 चम्मच घी का डालना है और डाल देना है इसमें ग्रेट किया हुआ गाजर। एकदम ऑरेंज वाला है ना, इसका कलर और भी ऑरेंज आने तक इसको हम भुनेंगे तेज आंच पर, क्योंकि हमें 10 मिनट के अंदर इस गाजर के हलवे को बनाकर तैयार करना है। तो बहुत अच्छे से भुनने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 कप चीनी। तो चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम या ज़्यादा, लेकिन मैं डालूँगी इसमें 1/2 कप चीनी। और बस इसको भी हम फ्राई करेंगे तेज आंच पर 2 से 3 मिनट, और जैसे ही इसमें बहुत बढ़िया सा कलर आ जाएगा इसके अंदर हम डालेंगे दूध। तो बस बहुत अच्छा कलर इसमें आ चुका है, तो चलिए इसके अंदर डालते हैं 1/2 लीटर दूध, और दूध के साथ दूध में जितनी भी मलाई है डाल देना है हलवे के अंदर। तो सारी मलाई डालकर इसको तेज आँच पर लगातार चलाते हुए सुखाना है, क्योंकि हमें इस हलवे को 10 मिनट के अंदर बनाकर तैयार करना है। तो बस फ्लेवर के लिए चलिए इसमें डालते हैं इलायची। तो 2 इलायची को कूट कर हमें डाल देना है हलवे में ताकि बहुत बढ़िया फ्लेवर आए, और बस इसे भी हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे और दूध को सूख जाने तक हमें इसे पकाना है। और उससे पहले हम डाल देते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में सबसे अच्छा जो जाता है ना गाजर के हलवे में वो है काजू और किशमिश। ये 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है इस हलवे के अंदर। तो बस अपना हलवा बनकर तैयार है। आप चाहे तो बादाम भी डाल सकते हैं कटा हुआ, लेकिन मैंने डाला है सिर्फ काजू और किशमिश। और बस 10 मिनट होते ही हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार है, और बस इसको फटाफट इस तरह से सर्व कर लेते हैं। और इतने हलवे में 4 लोग बड़े मज़े में खा लेंगे, तो इससे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो क्यों, आइडिया सही था ना। तो जितना गाजर का हलवा खाना है उतना ही बनाइए और गर्मा गर्म खाइए और खिलाइए। तो कैसा लगा आज का आइडिया और कैसी लगी आज की रेसिपी लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो ना तो लाइक दिए बिना आगे मत बढ़िएगा। और ऐसे ही झटपट आसान और मज़ेदार रेसिपी को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रंगोली किचन को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, ताकि उन्हें भी मौका मिले इस तरह की झटपट और आसान रेसिपी को अपने किचन में बनाने का और बनाकर अपने परिवार और दोस्तों को खिलाने का। तो सोचिएगा मत, फटाफट शेयर कर दीजिएगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो और कैसी लगी आज की रेसिपी लिखकर ज़रूर बताइएगा, और आइडिया कैसा था ये भी बताइएगा। तो बस इसी के साथ फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।